आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नगर परिषद इंदरगढ़ के तत्वाधान में मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में नगर के सभी 15 वार्डों सहित नगर की समस्त दुकानों शासकीय भवनों में 11,000 राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए। साथ ही तिरंगा संकल्प यात्रा निकालकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। 13 अगस्त को आयोजित एक कार्यक्रम में नगर परिषद इंदरगढ़ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेंद्र सिंह यादव ने इन राष्ट्रीय झंडों का वितरण कराया था। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के अंतर्गत नगर के विभिन्न देश भक्तिपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत नगर परिषद सभागार में CMO यादव ने आजादी का अमृत महोत्सव की महत्वता और इसके तहत प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप घर घर तिरंगा अभियान पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रत्येक घर प्रतिष्ठान व शासकीय भवनों पर 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक अपने अपने घरों की छतों पर अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय ध्वज लगाने की अपील की। इस अवसर पर श्री यादव ने परिषद कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों को 11,000 राष्ट्रीय ध्वज वितरण किए जाने के निर्देश दिए थे, जिससे सभी नागरिक समय पर अपने घरों पर झंडा फहरा सके। इस दौरान CMO यादव के नेतृत्व में नगर परिषद कार्यालय से लेकर मुख्य बाजार बस स्टॉप होते हुए नगर के प्रमुख मार्गों में तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत नारे लगाए गए। तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में नगरवासियों सहित नव निर्वाचित अध्यक्ष गौरी राम स्वरूप मंडेलिया, पार्षद विनीता टिंकू राठौर, सुमित उपाध्याय, सिम्मी चप्पू खा पठान, अखिलेश सेन, रवि चौरसिया, सत्यवीर जाट, उपाध्यक्ष संजीव कुशवा, पूर्व विधायक प्रदीप अग्रवाल, अनूप दात्रे, कमलेश खटीक, मंडल अध्यक्ष राम लखन गुर्जर, राम बाबू शर्मा सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंदरगढ़ से शिवरमन सिंह राठौर की रिपोर्ट।